नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का मेरे अपने इस YouTube चैनल पर। इस वक्त मैं आया हुआ हूं इगतपुरी, जो महाराष्ट्र के अंदर है और जो नासिक रोड से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है ये। बारिशों में इस हिल स्टेशन की रौनक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और टूरिस्ट काफी मात्रा में यहाँ आते हैं मानसून का मजा लेने के लिए। हम भी आए हुए हैं दिल्ली से आज इगतपुरी में मानसून का आनंद लेने के लिए। देखिए, इतनी दूर से ये झरना इतना खूबसूरत नजर आ रहा है और करीब जाएंगे इसकी खूबसूरती की क्या बात। तो चलिए चलते हैं झरने के बिल्कुल करीब। यानी भावली वाटरफॉल बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है ये, और इसकी सुंदरता बढ़ जाती है मानसून में, रेनी सीजन में। और ये बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है, दूधिया सा नज़र आता है ये। ये देखिए, काफ़ी लोग एंजॉय करते हुए काफ़ी करीब। खूबसूरत करिश्मा कुदरत का। और मानसून में इसकी गति तेज़ हो जाती है। ये है सह्याद्री पर्वत। और देखिए, ये डॉगी हमारे साथ चलते चलते आया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस वक्त मैं हूँ इगतपुरी में और ये है भावली वाटरफॉल। बेहद खूबसूरत नज़र आता है यहाँ की, और इसकी रौनक बढ़ जाती है मानसून में। मानसून में जब बारिश होती है तो इसका बहाव भी तेज हो जाता है। देखिए ये नज़ारा, और बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, दूधिया सा नज़र आता है इसका पानी, है ना। इसको हम अगर दूध का झरना भी बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ही सुंदर, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करते हैं। और हमारे राज कलानी जी, जिनको घूमने का और ट्रेवल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो आज मुझे इस जगह पे लेके आए हैं। जो मतलब एक तरह से मतलब क्या बोले इसको, औसम मौसम। और ये देखिए, नज़ारा है प्रकृति का, बहुत सुंदर नज़ारा, प्रकृति का बहुत सुंदर नज़ारा। कैसे है कल्याणी जी? बहुत सुंदर जगह है और बहुत सुंदर मौसम। कहाँ से आए आप और कौन सी जगह आए हुए आप? और ये कौन सा वाटरफॉल है? भावली डैम। भावली डैम या भावली वाटरफॉल? भावली वाटरफॉल जो कि डैम में जाके। हाँ, ये देखिए रेखा जी है, और ये देखिए भावली का वाटरफॉल झरना, बेहद खूबसूरत। देखिए लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए, बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कल्याणी जी, ये आनंद ले रही है भावली वाटरफॉल का, काफ़ी खुश नज़र आ रही है ये। और ये देखिए बेहद खुश।
एंजॉय कीजिए कलानी जी। काफ़ी मशक्क़त के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी मेहनत की आपने यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ कल्याणी जी कहाँ से कहाँ तक आई है। देखिए ये है वाटरफॉल, देखिए कल्याणी जी वहाँ से चलते हुए, इधर चलते हुए, इन छोटे छोटे चट्टानों से चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए इतना लंबे दूर का रास्ता तय किया है इन्होंने। ये देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और देखते रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार। इगतपुरी का एक बेहद खूबसूरत झरना, कैसा लग रहा है रेखा कलानी? हेलो रेखा कलानी।